कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी से आगरा शहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की कामयाबी के पीछे भी उनकी धर्मपत्नी मधु बघेल का बड़ा योगदान है। चुनावों में बतौर पत्नी कैसे कंधे से कंधा मिलाकर पति एसपी सिंह बघेल के साथ दे रही हैं, इस पर बात की हमारे संवाददाता कपिल अग्रवाल ने। मधु बघेल जी से मधु जी बताइए, जिस तरह से मंत्री जी लगातार देखने में आता है कि जमीन से जुड़े नेता कहे जाते हैं, कैसे देखती हैं आप उनके साथ रहे लंबे समय से? आप जमीन से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो अपनी जब उनको अपनी बात कहनी होती है तो सीधे जनता के बीच में कहते हैं, और जो जनता की सुननी होती है तो जनता में जाकर ही सुनते हैं। तो अगर मतलब उन्होंने, मैंने जो शुरू से उनको देखा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और जनता के बीच में रहे हैं हमेशा, तो इसीलिए आज जनता भी उनको उतना ही प्यार करती है। आप खुद कैंपेनिंग में उनके साथ जाती हैं, महिलाएं लगातार आपसे भी मिलती हैं, किस तरह की लोगों की रुझान और किस तरह का लगता है कि प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिलता है। देखिए मोदी जी हमारे और योगी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री कभी भी नहीं आए, उन्होंने बहुत काम किया है। मोदी जी योगी जी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन बघेल साहब का भी अपना है। कई जगह जो अपोजिशन वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तो एसपी सिंह बघेल है, क्यों, ये उनका प्यार है, क्योंकि बघेल साहब ने किसी भी कास्ट को लेकर राजनीति नहीं की, सब कास्ट को साथ लेकर की, किसी एक कास्ट के साथ नहीं चले। उनका मानना ये था कि जब तक सब लोग साथ देंगे, साथ देते हैं, तभी कुछ आदमी बन पाता है। तो जो भी काम कराने आए, आज तक उन्होंने कभी किसी से उसकी जाति नहीं पूछी, बिना जाति पूछे सब काम कराया, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और उन्होंने रात दिन बहुत मेहनत की है, उसी मेहनत का सिला है जो जनता उनको प्यार दे रही है। देखने में आता है कि राजनीति में अक्सर जो है एक पद मिलने के बाद या कोई बड़ा पद मिलने के बाद आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल साहब के साथ ऐसा नहीं, क्या मानते हैं कि छवि किस तरह की देखते हैं? आरोप तो मुझे लगता है तभी लगते हैं ना जब आदमी फ्री होता है, खुरापात उसके दिमाग में आते हैं तो तभी वो गड़बड़ सड़बड़ करता है। तो वो तो अब इतना बिजी रहते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि उनको कहीं ये फुर्सत भी मिलती होगी कुछ गलत काम करने की। वो सुबह जाते हैं अपना लंच बॉक्स तैयार पैक करा के, रास्ते में ही कहीं खाना खाते हैं, और उनका शाम का रात को आने का टाइम होता है वही 12-1-2 बजे से, पहले कभी घर में नहीं आए। अब इलेक्शन के दौरान तो 3-3-4-4 बजे आ रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि आप 5 लाख से जीत रहे हो, 4 लाख से जीत रहे हो, पर फिर भी उनको तो अपना काम करना है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी खुराक, उनका पानी, उनकी रोटी, उनका सब कुछ जनता है। तो ये थी मधु बघेल जो बता रही थी कि बतौर पत्नी वो भी उनका पूरा सपोर्ट करती हैं, और पत्नी होने के नाते पति की चिंता करना हर पत्नी का धर्म होता है, तो कहीं ना कहीं वो टीस भी मधु बघेल में साफ तौर पर दिखाई दी। उनका कहना है कि जनता की सेवा के लिए वो नेता बने थे, और जब वो जनता की सेवा करते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं खुशी जरूर मिलती है। बहरहाल 7 तारीख को आगरा में होने वाले चुनाव और 4 जून को होने वाले नतीजों में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल।